और अनिका, तुम लोग मेहमानों के पास जाओ यार, आंटी लोग परेशान हो रहे होंगे। जैसे ही राहुल आ जाएगा मैं इसे ड्रेस चेंज करवा के ला दूंगी, ठीक है ना? मैं इसके पास रुकूंगी, तुम लोग जाओ नीचे, जाओ वहाँ पे हेल्प करो उनकी। ठीक है यार, चलते हैं। लेकिन मुझे चिंता हो रही है, राहुल आ जाएगा ना टाइम पर? पता नहीं यार, मुझे भी टेंशन हो रही है, सारे लोग आ गए हैं। चलो हम लोग चलते हैं। अंजलि, ये लो ड्रेस चेंज कर लो। राहुल, तुम आ गए राहुल। हाँ अंजलि, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे दे सकता हूँ। मैं वो जो तुम लोग बुटीक से लाए थे ना ड्रेस, वहाँ पे जाके उसकी थोड़ी सी हेल्प किया मैंने, और रात भर हम लोग जाके, और फिर सुबह सुबह भी 5 घंटे लग गए ड्रेस बनने में। अंजलि, ये लो पहन लो अंजलि, और मैं भी तैयार होके आता हूँ, फिर हम लोग नीचे चलते हैं। ओ राहुल, आई लव यू राहुल, आई लव यू टू अंजलि। अंजलि और राहुल, रिसेप्शन के लिए देर हो रही है, तुम लोग यहीं पे अब रोमांस शुरू मत कर देना। मैं जा रही हूँ, जल्दी से रेडी होके आ जाना, सब लोग परेशान होंगे तुम्हारे लिए। कितना सुंदर ड्रेस है राहुल, थैंक यू राहुल। ठीक है अंजलि, मैं ऊपर जाके रेडी होके आता हूँ, और तुम भी रेडी हो जाना, ठीक है? बहू और बेटे को देखा, राहुल ने सारी रात जाग के और फैशन डिजाइनर के पास जाके खुद उसकी मदद करके कितना सुंदर गाउन लाया है बहू के लिए। और देखना, वो जो लाल वाला गाउन था ना, वो तो मुझे पहले से पसंद नहीं था कीर्ति, अब इसमें देख कितनी सुंदर लग रही है बहू अपनी। हाँ हाँ दीदी, सही कह रहे हो, बड़ा सुंदर लग रहा है। और कविता जी, तुम भी सुंदर लग रही हो गाउन में। अरे कीर्ति, कीर्ति कब तक कविता जी कहोगी? अब तो समधन जी कहो, समधन बन गई है। अच्छा ठीक है दीदी, समधन जी आप बड़ी सुंदर लग रही हो गाउन में, आप भी बहुत कमाल लग रही हो समधन जी। और अम्मा जी, आप भी बहुत बढ़िया लग रही हो। अरे का बताए बिटुआ, हम तो शर्म के मारे पानी पानी हो रहे हैं। अब दामाद जी ने बोल दिया है तो पहन लिए हैं, बड़ी शर्म लग रही है हमें। देती हूँ समधन जी, हम लोग भी अनिका अनिका की मम्मी और शिवाय की मम्मी की तरह रहेंगी, हमेशा दोस्तों की तरह। हाँ समधन जी, बिल्कुल समधन जी, आप बड़ी खूबसूरत लग रही हो गाउन में, आप भी बड़ी खूबसूरत लग रही हो। अरे दीदी, और तुम लोग के तुम्हारे और तुम्हारे समधन के तो फ्रॉक्स एकदम से मिलते मिलते से लग रहे हैं, मैच मैच मैचिंग से लग रहे हैं ना? हाँ, अनिका लाई है हम दोनों के लिए। मैं कहूँ, मेरे लिए तो नहीं लाई, अपनी माँ के लिए और सासू माँ के लिए ला लिया ना, यही तो इसलिए तो मुझे अनिका के ऊपर बहुत गुस्सा आता है, हमेशा मुझे अपना कुछ नहीं समझती। बचपन से पाल पोस के बड़ा किया है शिवाय को, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं समझती है। वो लड़का भी पहले मुझे एक अपनी माँ की तरह समझता था, बुआ नहीं माँ समझता था, लेकिन तब से अनिका आई है वो भी बदल गया है, अपनी जोरू का गुलाम बन गया है। दीदी आप ऐसे क्यों कह रही हो? अनिका ने आपसे भी तो पूछा था ना, आपने तो मना कर दिया था ना दीदी कि आप खुद चली जाओगी। अरे कहाँ जाती मैं,
लॉकडाउन हो रखा है ना, नासमीटों ने लॉकडाउन कर दिया है। मैंने तो सोचा था आज जाके लाऊंगी, देखो ये मैंने प्रिया का पहन लिया है पुराना। मैंने कहा था ना कि आप अनिका भाभी पर गुस्सा नहीं होगी, फिर क्यों हो रही हो? देखो ना, अनिका भाभी ने मुझे कितना सुंदर ड्रेस ला कर दिया है। प्रिया तू चुप कर, ये सुंदर ड्रेस है? खुद का देख कितना सुंदर लाई है, और तेरा इतना गंदा ड्रेस। नहीं मम्मी, भाभी ने दोनों ड्रेस मेरे आगे रखा था, ये वाला और उनका गाउन। मम्मी, भाभी बोल रही थी ये दोनों में से तुम्हें जो पसंद है वो ले लो, मेरे पास इस टाइप का ड्रेस नहीं है मम्मी, इसीलिए मैंने इस टाइप का ड्रेस लिया है। मम्मी आप हमेशा भाभी पर क्यों चिल्लाती रहती हो मम्मी? ए चुप कर लड़की, भाभी की चमची कहीं की। अंजलि कितनी सुंदर लग रही है ना, उसको कितनी टेंशन हो रही थी उसके ड्रेस को लेकर, देखो ना राहुल ने ला दिया उसको इतना सुंदर ड्रेस। अरे हाँ यार, सच कह रही है, कितनी सुंदर लग रही है। अरे यार, मुझे तो भरोसा था पहले से ही कि राहुल ज़रूर उसको ड्रेस ला कर देगा। चल के फ़ोटो खिंचवाते हैं। हाँ हाँ यार, चलो चलो खिंचवा लेते हैं। माँ आप कितनी सुंदर लग रही हो माँ, और आपने पहले कभी शादी से पहले कभी गाउन पहना था माँ? नहीं बेटा, अपने गांव में वहाँ पे तो अम्मा पहनने नहीं देती थी, हम लोग सिर्फ सूट पहनते थे। वाह अच्छा हुआ ना माँ, देखो जीजू की वजह से आपने भी पहन लिया है गाउन। हाँ बेटा। बेटा तुमने जीजू और दीदी के लिए क्या तोहफे लाई हो? माई सरप्राइज है, जब स्टेज पर जाऊंगी तभी देखना। सोनिया, तुम्हारे जीजू ने जो पैसे दिए हैं तुम्हें जूते चुरवाई में, उसी से खरीद के लाई हो क्या गिफ्ट्स उनके लिए? क्योंकि तुम्हारे पास तो उतने पैसे है नहीं, क्योंकि तुम्हारी औकात ही नहीं है ना। ये जो तुम लोग कपड़े पहने हो ये भी तुम्हारे जीजू के पैसे से लाया है क्या? नहीं नहीं ऋचा दीदी, ये जो गिफ्ट है बहुत स्पेशल है मेरे जीजू और दीदी के लिए, मैं खुद अपने घर से लाई हूँ। गिफ्ट तुम्हारे घर में? इतनी औकात है तुम्हारी? अपना चेहरा देख ले एक बार। अनिका हम लोग तो कोई गिफ्ट ही नहीं ला पाए अंजलि के लिए। अरे हाँ यार, क्या कर सकते बताओ, अभी लॉकडाउन हो गया, सारी दुकानें वुकानें सारे बंद हो गए। चलो कोई बात नहीं, चलो हम पिक उतर के आते हैं यार। हाँ हाँ यार, चलो चलते हैं। ये आपके लिए गिफ्ट है जीजू, ये आपके लिए गिफ्ट है। हेलो एवरीबॉडी, आप सबको एक बात बतानी थी, जीजू और दीदी के बीच में अब कंपटीशन होने वाला है, देखते हैं जो मैंने दिया है गिफ्ट वो पहले कौन उसका रैपर खोलता है, उसको कौन पहले उसको ओपन करता है। चलिए शुरू करिए दीदी जीजू, मज़ा आने वाला है। अरे हाँ यार, अब तो मज़ा आएगा, देखते हैं कौन पहले खोलता है। आप ही पहले खोलना भाभी, आप पहले खोलना। राहुल 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 राहुल, भाभी जीत गए। ये क्या है सोनिया, बेलन? सोनिया तुम्हारी दीदी को तुमने बेलन दिया है तो मुझे क्या दिया है? अरे चीजू आप खोलिए तो सही, तब पता चलेगा। अरे यार पता नहीं तुम लोग भी। सोनिया ये किस लिए सोनिया? अरे जीजू जब दीदी आपको बेलन से मारेगी तब आपको बचने के लिए जीजू। छूटे आ जावे साथ न टूटे।
तेरा जावे मैनु तो बस दीदार तेरा लाख कहे ना माना वे दिल कैसा दीवाना वे कब से कहे इंतजार तेरा ओ दरिया जरा तन तो जा एक बार आया राजा मेरा ओ दरिया वेलकम टू अच्छी को टीवी भाभी चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो जल्दी से जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना गाइस। देखिए आप हम आपके लिए हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, वीडियोस ला रहे हैं और हम लोग राहुल अंजलि की लव स्टोरी को एंड करने के लिए मतलब 50 मतलब जैसे कि 49-47 कुछ चल रहा है एपिसोड, हम लोग सोच रहे हैं कि उसको 50 करके उसका एंड करें। और हमारे लाइफ स्टोरी आप आगे देखना चाहते हो तो हमारे सब्सक्राइबर्स आपको 10K करने पड़ेंगे, तभी आपको हमारी आगे की वीडियो आगे की स्टोरी देखने को मिलेगी। अनिका की शादी भी बहुत अच्छी है, आप लोग देखिए सारे लोग। और अनिका की जो वीडियोस अनिका की शादी के वीडियोस है उसमें जो शॉपिंग है उसमें मैं पहली बार राहुल को देखी थी वो, और हमारी लव स्टोरी वहाँ से शुरू हुई थी। तो आप लोग सारे वीडियोस देखिए तो हमारी लव स्टोरी आपको अच्छे से समझ में आएगी। और प्लेलिस्ट में जाके आप लोग लव स्टोरी राहुल अंजलि की लव स्टोरी फर्स्ट पार्ट से देखिए गाइस, तो आपको अच्छे से हमारी लव स्टोरी समझ में आएगी। और हमारी शादी में आने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स गाइस, हमें इतना सपोर्ट करने के लिए। और हमारी शादी कैसी लगी, रिसेप्शन कैसा लगा, ये जो फ्लावर्स वाला डेकोरेशन कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा गाइस। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।